हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको टूल्स मेनू के अंतर्गत थोड़ा ध्यान से देखो रिडक्ट ऑप्शन को पढ़ाने वाले हैं। रिडक्ट ऑप्शन का क्या मतलब होता है थोड़ा ध्यान से सुनो। रिडक्ट ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो आप डायरेक्टली इसमें लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में चले जाओगे। ध्यान से देखो, मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, थोड़े ही देर में देखो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या काम करता है, आप कोई भी ड्राइंग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। इसके लिए आपको ये जो है ड्रॉ टूल आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है। ठीक है, सो देखो तो मैंने बना लिया। अगर मुझे इस फाइल को सेव करना है तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ये देखो ऑप्शन दे रखा है कि नहीं, रिडक्ट एक्सपोर्टेड, और यहाँ पे देखो डायरेक्टली एक्सपोर्टेड पीडीएफ, इसमें कन्वर्ट कर देगा पीडीएफ में। क्लिक कर रहा हूँ तो देखो इस फाइल को पीडीएफ में सेव करने के लिए आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। मैं एसएस करके फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। आप ध्यान से देखो, मैंने फाइल को अभी सेव कर दिया है। तो ये क्या मतलब हुआ, यह ड्रॉ की जो फाइल मैंने अभी अभी ड्रॉ बनाई थी यहाँ पे, वो आपके डेस्कटॉप पे एसएस के नाम से देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, यानी छप गई है। पीडीएफ बन गई कि नहीं एसएस के नाम से। ठीक है, सो क्या समझ लिया आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो क्या समझ में आया आपको। टूल्स मेनू में जो रिडक्ट ऑप्शन है, इसके माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस ड्रॉ में जा सकते हो, वहाँ से कुछ भी लिख के या ड्रॉ करके आप उसे पीडीएफ में बना के सेव कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।